जी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे में लोगों को, आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। किस प्रकार से रहते हैं लोग? ये टेम्परेचर जो है ना, ये तो इतना स्थिति हो गया कि आदमी का यूरिक एसिड इतना बढ़ जा रहा है कि उसका सीधे उसके शारीरिक जो महत्वपूर्ण अंग है उस पर अटैक पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ माइक्रोफाइबर बढ़ रहा है, माइक्रोफाइबर से जिस तरीके से फीलिंग और टेम्परेचर में 8 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर आ रहा है, तो टेम्परेचर आपका 44-45 और फीलिंग आपका 49-50, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी पर अटैक पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पानी की कमी से बीपी डाउन हो जा रहा है, शुगर उनका लो हो जा रहा है, और ये स्थिति हो गई है कि आदमी छोड़िए पशु पक्षी जानवरों तक की हालत खराब हो गई है, वो भी लगातार गिर के पारा बढ़ने के वजह से आजकल हीट स्ट्रोक का लक्षण बहुत आ रहे हैं। शरीर का तापमान 104 डिग्री या इससे ज़्यादा हो जाना, शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, कंफ्यूजन असंतुलन दौड़े हो जाना, डायरिया की समस्या, त्वचा पर चकत्ते निकलना, सिर दर्द होना और शरीर में अकड़नपन, अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप समझ लीजिए आपको हीट स्ट्रोक की दिक्कतें हो रही हैं। इससे यह है कि आप भरपेट पानी पीजिए, कहीं धूप से आके तुरंत आप कोई ठंडी चीज़ें न खाए, कोल्ड ड्रिंक न पी लीजिए, ठंडे पानी दुकान से खरीद के न पी लीजिए, इससे हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बचाव यही है कि आप घर से अगर निकल रहे हैं तो भर पेट भोजन करिए और पानी खूब पीजिए जितना हो पाए, और घर से अगर आपको ये मिल जाए नींबू पानी पीजिए या तो फिर मट्ठे मिल जाए वो पीजिए, उससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। क्या नाम है? रंजीत जी, टेम्परेचर इस वक्त हाई चल रहा है, ऐसे में बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो इसमें जो टेम्परेचर हाई चल रहा है उसके लिए अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार देवरिया बिहार में देखा जा रहा है कि कितने लोग की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें दोपहर में। तो ऐसे में बचाव के लिए क्या करना चाहिए? घर पे रहें और ग्लूकोज का सेवन ज़्यादा करें। इस समय लोग बाहर निकल रहे हैं, काम भी है लोगों को, तो ऐसे में लोग बाहर जा रहे हैं, टेम्परेचर भी हाई है। जी जी, तो बचाव के लिए मतलब कुछ न कुछ करना चाहिए भाई। जब भी बाहर निकले गमछा लेके चले, माने कि सुरक्षित निकले बाहर से, कोई धूप न लगे उनको ज्यादा, मतलब लू के बचाव के लिए गमछा वमछा लेके चले। जी, जी।